साजिद और अर्चना ही नहीं, बिग बॉस के फैंस भी गौतम को कह रहे हैं फट्टू। गौतम के फैसले पर फैंस जता रहे हैं नाराजगी। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में गौतम बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक गौतम को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा था, लेकिन जब से करण जौहर उनके और सौंदर्या के रिश्ते को फेक बताकर गए हैं, उसके बाद से गौतम का खेल डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। वो बिग बॉस के घर में अपने अस्तित्व की तलाश में जुट गए हैं और यही कारण है कि उन्होंने कैप्टेंसी पाने की हर संभव कोशिश की और वीकेंड कवार के दौरान शो के होस्ट सलमान खान ने उन्हें ये मौका दिया कि वो कैप्टेंसी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि घर का पूरा राशन गौतम को अपनी कैप्टेंसी के लिए कुर्बान करना था। शुरू में गौतम ने इस तरह से कैप्टेंसी पाने से मना कर दिया क्योंकि वो घर का राशन दांव पर नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद मेकर्स और सलमान ने ये चाल चली कि गौतम को कुछ वक्त सोचने के लिए दिया और गौतम इम्यूनिटी पाने की लालच में राशन दांव पर लगाने का मन बना लिए और नतीजा ये हुआ कि पूरा घर उनके खिलाफ हो गया, जिसके बाद गौतम फिर अपने फैसले को पलटना चाहते थे, लेकिन बिग बॉस और सलमान ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। तो जिस गफलत में गौतम वीकेंड का वार के दौरान नजर आए, उनकी वो गफलत उन्हीं पर भारी पड़ गई है क्योंकि अब बिग बॉस के फैंस गौतम से नाराज नजर आ रहे हैं और गौतम को ये सलाह दी जा रही है कि जो उन्होंने फैसला लिया था वो सही था, उन्हें कैप्टेंसी लेनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से गौतम ने मन बनाया कि लेनी चाहिए कैप्टेंसी, घर का राशन दांव पर लगाना चाहिए और अगर उन्होंने वो फैसला कर लिया तो उन्हें उस फैसले पर अडिग रहना चाहिए था, लेकिन वो उस फैसले से भी डगमगाते हुए नजर आए। कुल मिलाकर अब सोशल मीडिया पर बिग बॉस के फैंस गौतम को फट्टू कहकर बुला रहे हैं। पोस्ट जो सोशल मीडिया पर की गई है उसमें आप देख सकते हैं कि गौतम के लिए क्या कुछ लिखा गया है। ऐसे में गौतम ने खुद अपनी ही फजीहत कराई है ये कहा जा सकता है। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।